हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम लोग के पास एक नया टॉपिक है और हम लोग अभी रिसेंट में जो है, आपको पता होगा कि सरदार पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशन मेडल लॉन्च किया गया और ये जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग एक MCQ हम आप लोग के लिए लाए हैं, उसको सॉल्व कीजिए। तो MCQ है आप लोग के लिए कि देखिए, ये जो स्पेशल ऑपरेशन मेडल है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट जैसे पंजाब, होम मिनिस्टर, उसके बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, उनको दिया गया। तो आपको बताना है कि इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर से कितने लोगों को मेडल मिला है, ठीक है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए कॉमेंट बॉक्स में। आप थ्रू आउट द एक्सप्लेनेशन आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो ये जो स्पेशल ऑपरेशन मेडल है, ये यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च करते हैं और इस बार जो 2022 के लिए लॉन्च किया गया, इसमें 4 स्पेशल ऑपरेशंस जो इन सारे स्टेट्स या यूटी जैसे बोल सकते हैं आप, जो बॉर्डरिंग स्टेट है या जहाँ पे ड्रग्स की इंटरिंग, जैसे हो गया आपको गोवा या स्पेशली पंजाब का आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये जो मेडल है स्पेशल ऑपरेशन विद रिगार्ड टू मैनेजिंग टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आर्म्स एंड नारकोटिक्स, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो जो MHA है, वो 4 स्पेशल ऑपरेशन जो कंडक्टेड किया गया बाय द सिक्योरिटी एंड पुलिस फोर्सेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ पंजाब, इन ऑल 16% ऑफ पंजाब पुलिस हैव बीन नेम्ड फॉर दिस अवार्ड। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप अगर इसके मेडल के बारे में अगर बात करो, तो इसको 2018 में कंस्टिट्यूटेड किया गया और ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक स्पेशल ऑपरेशन करना विद अ हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग, हाई सिग्निफिकेंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री स्टेट यूटीज एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। बेसिकली इस स्पेशल ऑपरेशन के अंतर्गत आपको जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, एक हाई डिग्री में जो है ना, एक उच्चतर क्वालिटी की जो ऑपरेशंस करते हैं वाइल द कंट्री कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद, चाहे बॉर्डर हो या आपको टेररिज्म से फाइट करना हो। जैसे आप मुंबई अटैक की बात करो, उस टाइम पे स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से NSG, ठीक है। उसके बाद नारकोटिक्स स्मगलिंग हो गया, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे अभी जस्ट एक दिन पहले जो आपको पता होगा कि मोरबी नदी में जो है आपको जो सस्पेंशन ब्रिज थी गुजरात में, वो टूट गया, तो वहाँ भी स्पेशल ऑपरेशन जो NDRF और आर्मी का चला था, ठीक है। अब आप बात करोगे कि इस पार्टिकुलर अवार्ड की, तो इसका जो रिकमेंडेशन होता है ना, वो MHA को जितनी भी आप बोल सकते हैं स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वो MHA को भेज देते हैं और फिर इसको हमेशा 31 अक्टूबर को एवरी ईयर्स आपको दिया जाता है। और कौन लॉन्च करते हैं? तो MHA। आप देखोगे तो स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि एवरी ईयर्स नॉर्मली 3 स्पेशल ऑपरेशंस को कंसिडर किया जाता है फॉर द अवार्ड, बट कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में इसे 5 ऑपरेशंस तक, स्पेशल ऑपरेशंस तक इंक्रीज किया जा सकता है। यहाँ पे स्टेट वाइज टैली दिया गया, दिल्ली को 19 मिला है, पंजाब के 16 ऑफिसर्स को, तेलंगाना के 13, महाराष्ट्र के 11 एंड जम्मू एंड कश्मीर के 4 ऑफिसर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो दिल्ली से, और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के टैली को आप लोग याद रखें, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अवार्ड को डिक्लेयर किया जाता है ऑन द सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी, इसको 2018 में आपको July 23 को जाने इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ होते हैं पुलिस फोर्स, उन सबको इसके अंतर्गत सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दैट इज CAPF और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉग्नाइज ऑपरेशन, इन सबको जो है ना इसमें सम्मिलित किया जाता है ताकि जितने भी हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग और सिग्निफिकेंट तरीके से किसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया सके, ठीक है। अब इसको अभी जो है ना, फिलहाल आपको पता है कि कंट्री जो है सेलिब्रेट कर रहा है लार्ज स्केल रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर, ठीक है। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन सारे रिकमेंडेशन को जो है ना अवार्ड के लिए
एमएचए को सेंड किया जाता है 3 महीने के अंदर स्पेशल ऑपरेशंस करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। और फिर इस पार्टिकुलर यू नो स्पेशल ऑपरेशंस को स्क्रीन किया जाता है एमएचए अंडर द गाइडेंस ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। और फिर और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं इसके मेंबर्स सिलेक्शन कमेटी के, और साथ में 2 डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट एंड यूटीज जो रोटेशन बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिया जाता है, और 1 डायरेक्टर होते हैं जनरल ऑफ अ CAPF बाय रोटेशन जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन प्रेफरेंस इन द कमिटी एवरी ईयर। सो बेसिकली आप बोलोगे ना यहाँ पे कितने पर्सनस हो गए जो भी इस अवार्ड को यू नो स्क्रीन करते हैं, उसमें एक तो हो गया आपको चेयरमैन ऑफ द होम सेक्रेटरी, ठीक है, साथ ही साथ 2 डायरेक्टर यूटीज यू नो पुलिस ऑफ स्टेट और यूटीज, तो 2 यहाँ 3 हो गए। फिर 1 डायरेक्टर होता है आपको CAPF से लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 मेंबर्स के ये कमेटी होते हैं जो इस अवार्ड को स्क्रीन करते हैं, और फिर इसको यूनियन होम मिनिस्टर के लिए अथॉरिटी के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पे आपको उनको अप्रूवल मिलता है फाइनल लिस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस अवार्ड की बात करो तो ये जो फाइनल लिस्ट है ये रिकमेंडेड किया जाता है बाय द सेलेक्ट कमेटी ऑफ MHA, और फिर इस पर जो है यूनियन होम मिनिस्टर के साइन होते हैं और फिर अनाउंस कर दिया जाता है विनर्स को, ठीक है। और ये अवार्ड है ये आपको बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। अगर 3 से कोई ज़्यादा आदमी होता है तो 5 तक इसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।